नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने चैनल टू फैक्ट्स के द्वारा सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान का प्रश्नोत्तर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा सामान्य ज्ञान का प्रश्नोत्तर है, ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे UPSC, SSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, बैंकिंग, रेलवे, सभी के लिए काफ़ी उपयोगी है। एवं यह आपके कोर्स के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। हमारा आपसे यह अनुरोध रहेगा कि आपको जब भी फुर्सत मिले, फुर्सत के क्षण में इसे हमारे वीडियो को बार बार सुने, जिससे कि बिना अतिरिक्त परिश्रम के ये आपके याद हो जाए। लेकिन सबसे पहले हम आपसे एक अनुरोध करेंगे कि कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं बेल बटन दबाना नहीं भूलें, जिससे कि आपको निर्बाध रूप से हमारा अगला वीडियो मिलता रहे। सामान्य ज्ञान, सबसे पहले हम आते हैं भारत के इतिहास पर, इंडियन हिस्ट्री। भारत के इतिहास में सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास। हम किसी किसी इंपॉर्टेंट प्रश्न को दो बार दोहराएंगे, जिससे आपको याद हो जाए। प्राचीन भारत का इतिहास, हड़प्पा के मोहनजोदड़ो में एक बहुत विशाल स्नानगार है। विशाल स्नानगार कहाँ पर है? हड़प्पा के मोहनजोदड़ो में है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मिली है। प्रश्न ऐसा हो सकता है कि कांस्य की प्रतिमा कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो में मिली है। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मोहनजोदड़ो में मिली है। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न ऐसा हो सकता है, रावी नदी के तट पर कौन सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता है। सिंधु सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता के निवासी लोहे से अपरिचित थे। सिंधु सभ्यता के निवासी पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति की पूजा कौन करते थे? सिंधु सभ्यता के निवासी करते थे। सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी। चित्रात्मक लिपि किसकी थी? सिंधु सभ्यता की थी। गोदीवाला हड़प्पा के लोथर से प्राप्त हुए हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, तो सबसे नया वेद अथर्ववेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और सबसे नया वेद अथर्ववेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्ति और 10600 मंत्र हैं। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। पुराणों को पंचम वेद कहा गया है। पुराणों की संख्या 18 है तथा उपनिषदों की संख्या 108 है। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य हिंदू थे। आर्यों के कारण ही भारत के नाम आर्यावर्त पड़ा है। महावीर स्वामी का जन्म कुंड ग्राम में जातक कुल में हुआ। महावीर के माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जननी ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का असली नाम वर्धमान था। इम्पॉर्टेंट है, महावीर स्वामी का असली नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनौजा था। महावीर स्वामी जैन के 24वें तीर्थंकर थे। ये इम्पॉर्टेंट है, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म से 23वें तीर्थंकर पार्श्वदेव थे। प्रथम जैन समिति का आयोजन पाटलिपुत्र पटना बिहार में हुआ था। पहले जैन समिति की अध्यक्षता स्थूलचंद ने किया। पहला जैन समिति का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय जैन समिति का आयोजन वल्लभी में हुआ था। जैन धर्म के 3 धर्म ग्रंथ हैं, अंग, उपांग और प्रकीर्णक हैं। जैन धर्म की प्रमुख शाखाएं श्वेतांबर तथा दिगंबर है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूरोपियन सिकंदर था। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। वह मकदुनिया का शासक था। यह इम्पॉर्टेंट है। उसके गुरु का नाम अरस्तु तथा घोड़े का नाम बुकाफेला था। विशरता की लड़ाई में सिकंदर ने पौरुष को हराया था और बाद में दोनों दोस्त बन गए। प्राचीन भारत का इतिहास महाभाष्य के लेखक पतंजलि थे। पुष्यमित्र सुंग के दरबार में रहते थे। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। उसकी राजधानी पुरुषपुर थी। अश्वघोष, नागार्जुन, वासुमित्र तथा चरक कनिष्क के दरबारी थे।
पुरुषपुर में चैत्य का निर्माण तथा रेशम मार्ग का निर्माण कनिष्क ने कराया था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने किया था, इंडिका की रचना। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने किया था। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने किया था। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य यानी चाणक्य ने किया था। शैलुकस का दूत मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों जैन धर्म अपनाकर श्रवण बेलागोला चले गए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र तथा पुत्री का नाम संघमित्रा था। बौद्ध धर्म के प्रचार तथा प्रसार के लिए अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था। यह इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म के प्रचार तथा प्रसार के लिए अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था। बौद्ध धर्म के तीन शाखाएं हीनयान, महायान और ब्रजयान हैं। मगध के शासन करने वाला प्रथम वंश हरियक वंश था। हरियक वंश को पितृहत्या, पिता की हत्या करने वाला के नाम से जाना जाता है। नंदवंश की स्थापना महापद नंद ने किया था। सबसे पुरानी स्मृति मनुस्मृति है, मनुस्मृति ओल्डेस्ट। सबसे नई स्मृति देव स्मृति है। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी के में तथा शाक्य कुल में हुआ था। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। महात्मा बुद्ध को गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया। यह इंपॉर्टेंट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट है, महाभिनिष्क्रमण। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। आनंद और उपली महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक अमरपाली महात्मा बुद्ध की शिष्या थी। महात्मा बुद्ध के उपदेश से पांच ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने की घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का अधिकांश समय श्रावस्ती में व्यतीत किया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुआ था और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। बुद्ध के समकालीन शासक बिंबिसार, उदयन और प्रसेनजीत थे। पाली बौद्ध संगीति राजगिरी में तथा महाकश्यप की अध्यक्षता में तथा अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति शौकमी की अध्यक्षता में तथा अपने वैशाली में हुई। तृतीय बौद्ध संगीति भोगलीपुत्र तीरथ की अध्यक्षता में तथा पाटलिपुत्र पटना में हुई। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने किया था। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इंपॉर्टेंट है, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र हैं। अस्तोमा सदगम्य, तमसोमा ज्योतिर्गम्य ऋग्वेद से लिया गया है। भगवान विष्णु के कल में कली का अवतार का अभी जन्म नहीं हुआ है। वेदों की संख्या चार है। ससुर विवाह में वधु का मूल्य लिया जाता है। भारतीय शास्त्रों की संख्या छ है। योग दर्शन के संपादक पतंजलि थे। 772 ईस्वी में सिंह पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहां का शासक दाहिर था। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक भीमदेव प्रथम था। गीत गोविंद जयदेव ने लिखा था। भारत के लिए सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग ग्रीक भाषा में किया गया। इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग ग्रीक भाषा में किया गया। चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला राजेंद्र प्रथम था। राजेंद्र फर्स्ट
चालुक्य वंश का सबसे महान राजा पुलकेशिन सेकंड था, द्वितीय था, पुलकेशिन द्वितीय था। भारत का इतिहास राष्ट्रकुल राजकूट साम्राज्य की स्थापना दंती दुर्ग ने किया था। यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी थी, यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी थी। पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै थी। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर चिदम्बरम में स्थित है। राजेंद्र चोल के बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक महिपाल प्रथम था। राजेंद्र चोल के बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक महिपाल प्रथम था। दक्षिण भारत का तक्कोलम में युद्ध चोल वंश था राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। होयसल स्मारक मैसूर में स्थित है। रुद्रवा काकातीय वंश के प्रसिद्ध महिला शासक थी। चोलों के शासनकाल में सोने के सिक्कों को कुलंजू कहा जाता था। चोल राजाओं ने श्याप धर्म के संरक्षण प्रदान किया था। मध्यकालीन भारत का इतिहास। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। ब्लैक पैगोडा कोणार्क में स्थित है। लिंगराज मंदिर का नींव ययाति केसरी ने डाला था। वह भुवनेश्वर में स्थित है। रामचरित की रचना संध्याकार नंदी ने किया था। काव्य मीमांसा की रचना राजशेखर ने किया था। मिताक्षरा पुस्तक की रचना विज्ञानेश्वर ने किया था। शाहनामा की रचनाकार फिरदौसी हैं। मोहम्मद गौड़ी संसावनी वंश का शासक था। अपने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गौड़ी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच सन 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौड़ी की हार हुई थी। तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गौड़ी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच सन 1992 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबाई ने किया था। तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजा प्रथम ने करवाया था। राजराजेश्वर मंदिर शिव मंदिर है। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। ये राजराज प्रथम का वास्तविक नाम अरिमोल वर्मन था। चोल शासकों ने श्रीलंका को जीत लिया था। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी। होयसल वंश का अंतिम शासक बल्लाल तृतीय था। राष्ट्रकूटों का विनाश तैलप द्वितीय ने किया। तैलप द्वितीय ने तुंगभद्र नदी में कूदकर आत्महत्या कर लिया था। विक्रमादित्य छठे ने चालुक्य विक्रम संवत का आरंभ किया। चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयपाल था। चोलों का राज्य कोरोमंडल तट के दक्कन तक फैला था। चोल काल ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध है। चोल काल की सबसे प्रसिद्ध प्रतिमा नटराज की प्रतिमा है। चोल युग में निर्मित खास प्रतिमाओं में देवाकृति चतुर्भुज थी। चोल काल में लोक महादेवी के हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था। चोल काल में कदीमे का अर्थ भू राजस्व होता था। चोल काल में वीर योद्धाओं को क्षत्रिय सिख बनि की उपाधि दिया जाता था। पुलकेशिन सेकंड हर्षवर्धन के समकालीन था। पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन के समकालीन था। राष्ट्रकूटों का काल कन्नड़ साहित्य का उत्पत्ति काल माना जाता है। श्रृंगारथ दीपिका की रचना वेंकट माधव ने किया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने किया था। पल्लवों की राजभाषा संस्कृत थी। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्यों ने करवाया था। महाभारत का भारत वंता नाम से तमिल भाषा में अनुवाद
पेरुंडेवनार ने किया था, पेरुंडेवनार महाभारत का भारत वंता नाम से तमिल भाषा में अनुवाद पेरुंडेवनार ने किया था। येहूल का लड़का मंदिर सूर्य देवता का मंदिर है, येहूल का लड़का मंदिर सूर्य देवता का मंदिर है। पल्लवों का एकादशवीं रथ महाबलीपुरम में है, पल्लवों का एकादशवीं रथ महाबलीपुरम में है। महाबलीपुरम को मामल्लपुरम भी कहा जाता है, मामल्लपुरम। बारहवीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के पंचशिखा से लेख कर्नाटक में मिले थे, बारहवीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के पंचशिला लेख कर्नाटक में मिले थे। सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर 1125 ईस्वी में हमला किया था। रानी पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। भारत का सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। अलवर के संस्थापक अजय पाल थे, बंगाल के पालवंश के संस्थापक गोपाल था, प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र थे, सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे। हमारा अगला वीडियो में हम भारतीय इतिहास का अगले प्रश्नोत्तर के बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद।